दिव्यांग संतोष साहू छिंदवाड़ा की सड़कों पर भीख मांगता है। पत्नी से प्यार के कारण वह चर्चा में है। ट्राईसाइकिल को धक्का लगाने में पत्नी को परेशानी आती थी, इसलिए उसने 4 साल तक पाई पाई जोड़कर 90,000 रुपए इकट्ठा किए। इसके बाद शनिवार को इन पैसों से मोपेड खरीदी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जहां ये पसंद किया जा रहा है। संतोष साहू और उसकी पत्नी मुन्नी अमरवाड़ा के रहने वाले हैं। संतोष दोनों पैरों से दिव्यांग है। छिंदवाड़ा बस स्टैंड पर रोजाना दोनों भीख मांग कर गुजारा करते हैं। उनके पास एक ट्राईसाइकिल भी है, इस पर संतोष बैठा रहता है। मुन्नी बाई ट्राईसाइकिल को धक्का लगाकर मंदिर और दरगाह तक जाकर भीख मांगते हैं। संतोष ने बताया कि रोजाना करीब 300 से 400 रुपए मिल जाते हैं। लोगों से दोनों टाइम का खाना भी मिल जाता है। शहर में घाट वाले रास्तों पर संतोष ट्राईसाइकिल नहीं चढ़ा पाता था, ऐसे में पत्नी ट्राईसाइकिल को धक्का लगाती थी। पति को ये बात बुरी लगती थी। पत्नी ने भी मोपेड खरीदने के लिए कहा। उसने 4 साल पहले मोपेड खरीदने का मन बनाया। धीरे धीरे रुपए इकट्ठा करने शुरू किए। इस तरह उसने 90,000 रुपए इकट्ठा कर लिए। इससे पहले छिंदवाड़ा की गलियों में बार कोड से पैसे लेने वाला भिखारी भी सुर्खियां बटोर चुका है। अब लोगों से पैसे मांग कर दोपहिया वाहन खरीदने वाले भिखारी दंपति सुर्खियां बटोर रहे हैं। अच्छा, ये गाड़ी की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? गाड़ी धक्का मन में मारती थी। बोले गाड़ी लो, गाड़ी लो। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।